Hi guys, I hope all of you are doing well. Ganpati Bappa Moria. So guys, मैंने बनाई इको फ्रेंडली बप्पा. क्ले के बप्पा मैं पिछले कुछ सालों से रख रही हूँ. एंड ट्रस्ट मी गाइज, जब भी गणपति बप्पा को मैं रखती हूँ आई फील सो पॉजिटिव. एंड इसीलिए हमने सोचा एक छोटा सा कीर्तन भी करा जाए. जिस दिन हम बप्पा को लाए मैंने छोटा सा सेटअप करा और घर में रखा कीर्तन. खूब इन्जॉय करा, सबने साथ में मिलकर प्रसाद खाया. ये गाइस ढोलक बज रही है. और गाइस मुझे लगता है कि इट डजेंट मैटर कि कितना बड़ा सेटअप है. आपसे जितना हो रहा है, हमसे जितना हो पाता है, पूरे दिल से करें. मेरे पापा कितने क्यूट लग रहे हैं. ही इज़ लुकिंग वेरी क्यूट. सबके ही पापा क्यूट लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अपने पापा से कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट हो जाती है. इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि जिस दिन पप्पा जाते हैं बहुत ही मुश्किल हो जाता है खुद को संभालना. इनफैक्ट गाइस, एक दिन पहले ही थोड़ा मुझे अजीब सा लगने लग गया था. सो या हमने पूजा वूजा करी, इन्जॉय करा, सब साथ में मिले बहुत टाइम के बाद. पप्पा ने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम सब साथ में बैठ के पूजा कर पाएँ. यहाँ मैं भोग लगा रही हूँ. आपने मेरे मिनी ब्लॉग में देखा होगा, मैंने ये भी दिखाया था कि मैंने क्या क्या बनाया, क्या क्या हम लोगों ने बनाया. मैं अकेले तो नहीं कर पाए, डेफिनेटली हेल्प लगती है. लेकिन या भोग की वीडियोस मैंने ज़्यादातर मिनी व्लॉग्स में डाली थी. अलग अलग टाइम पे फ्रेश बनाया था गाइस. और आप सब जानते ही हैं कि प्याज और लहसुन के बिना हम ये सब बनाते हैं. सो जिस दिन हम पप्पा को लाते हैं उस दिन प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसके बाद हम पप्पा का ख्याल रखते हैं. हम अपनी श्रद्धा और अपने जितना हम बेस्ट दे सकते हैं उस हिसाब से करने की कोशिश करते हैं. छोटे से मेरे पापा इको फ्रेंडली पापा थे, तो घर पे ही विसर्जन का मैंने सेटअप करा. जो जो मुझे बताया गया था वो आपको जो सूट करे आप वो करिए. सब अपने हिसाब से पूजा करते हैं. मुझे जिस तरीके से मेरे पंडित जी ने बताया, हमारे पंडित जी ने बताया, मैंने उस ढंग से करा है. आप अपने तरीके से करिए और बस मन साफ होना चाहिए. बाकी तो आप पूजा कैसे भी करो, बप्पा जो है वो आपके दिल को देखते हैं. तो मेरे से जितना हुआ मैंने उतना करा. और फिर बप्पा के जाने का दिन आ गया था. जिस दिन बप्पा जा रहे थे उस दिन हमने काफ़ी कुछ बनाया था. जितना मतलब हो पाया उतना मैंने करा. खीर बनाई थी गाइस, रायता, सूखी सब्जी, पूरी, और सबने ज़मीन पे बैठ के खाया. छोटा सा भंडारा टाइप जो है वो करा. जो जो आ रहा था उस जिस जिसको हम प्रसाद दे सकते थे हमने दिया, उस उसको दे दिया. और विसर्जन करा बप्पा का. लास्ट आरती का एक ग्लिम्स दिखा रही हूँ. साथ में मेरे पेरेंट्स आरती कर रहे हैं. सब बहुत इमोशनल हो गए थे लास्ट दिन तो, क्योंकि गाइज मतलब इतने दिन पप्पा का ध्यान रखने के बाद और हमेशा पप्पा के पास ही बैठे रहने के बाद हम शायद पप्पा को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए एक दो घंटे के लिए पप्पा को हमने अकेले छोड़ा. और फिर रात में भी कोई ना कोई जो है पप्पा के साथ था ही. पप्पा को इनकेस रात को कुछ चाहिए हो तो ऐसे हमने करा छोटा सा विसर्जन घर में और छोटा सा सेटअप कर दिया था.
मे ऑल योर विशेस कम ट्रू एवरी वन, गणपति बप्पा मोरिया। बहुत पॉजिटिव फील हुआ बप्पा को घर लाकर। और ये था मेरा छोटा सा प्यार सा ब्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए गाइस। बहुत मेहनत लग रही है, जल्दी जल्दी मेरे को और न्यू न्यू सब्सक्राइबर्स दे दीजिए। 10K तक तो पहुँचा ही दीजिए गाइस। 10K तक तो मुझे अब लगता है आप लोगों को शेयर कर ही देना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। गणपति बप्पा मोरिया, गॉड ब्लेस यू।